raison. We'll be right back.
है। अच्छा विशेष साहब और नाम है पहले बच्चे मुलिंद गोविंद पटक पटक गोविंद तीन थर लगे हैं पांच थर प्रयत्न है ज्यादा जो हा मान है ओम साई गोविंद पथक हा पांचवा थर लगे है हाथ पोचे पोचे पर्यत यहां पोचने अंडे फुटले पहली हंडी फुटले है। मैं तुम्हारा सगळ्यांना सांगायला आवडेल की आता जरी हंडी फुटली तरी तुम्ही जमीन मुलांचे पथक आहे ते तर त्यांचा थर लावण्याचा प्रयत्न हा की यापुढच्या दोन हंडी ज्या आहेत त्या फोडण्यासाठी दृष्टिहीन मुलांचं पथक येतंय। ते स्वतः कॅपेबल आहेत त्यांच्यासाठी पण त्या सर्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्यासारख्या एका नामांकित गोविंद पथकाने जसं आपल्या सर्वांना माहिती यांचं सन्मान केल्यासाठी इथे सिरियल चालू आहे माझे मिस्टर बीन नावाचे सो रंगकृती चित्र या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक शेअर कमेंट आणि बेल आयकॉन सुद्धा दाबायला विसरू नका आणि नक्की बघा ही विनोदी वेब सिरियल आहे तुम्हाला नक्की आवडेल सगळ्यांना। प्रत्येक यूट्यूब वरती वेब सीरीज गोविंद पथक है और वो बड़े मजे से चल रहा है और हमें इस बार बुलाया है बहुत हमें अच्छा लग रहा है। एकदम खुशी हुई तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टेज पे आज जाना होगा मेरा एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ उनको और थैंक यू। अब अभी क्या क्या कर रहे हो सर? एक्चुअली मैं रेमंड से मॉडलिंग कर रहा हूँ अभी कंप्लीट हुआ मेरा यहाँ पे मेरा भांडुप में स्टेशन में थाने मुलुंड में पोस्टर्स लगे हुए सर सो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सिद्धार्थ सर आपका इंट्रोडक्शन। नमस्ते मेरा नाम सुजय सुहास बागवे है। मैं आज से पहले आपको बहुत बार मिल चुका हूँ बड़ी दूर से आए सीरियल में। सोनी पल पे चलती थी सोनी सब पे चलती थी फिर सोनी पे पेशवा बाजीराव जो आपने देखी है फिर मराठी मूवी कट्यार काळजात घुसली और थोड़े दिन पहले आज उसे एक महीना हुआ रिलीज होके पुष्पक विमान मराठी फिल्म आई थी उसमें मैं था। नमस्कार मैं संदीप रेडकर आप यहाँ पे मुझे आने पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आने लगे जब से मैं ट्रिपल एक का डबल एक का पे चढ़ता था तो दहेंडी एक ऐसा उत्सव है जिसमें जितना मज़ा कर ले उतना कम रहता है। सुबह से लेके रात तक इतना मज़ा आता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ मटकी फोड़ो उसमें का माखन चुरा के खाओ माखन चुराने नहीं मिलता है क्योंकि बहुत लोग उसमें पानी ज़्यादा डालते लेकिन जितना भी मिलता है उतना बहुत मज़ा करते हैं। यहाँ का दहेंडी पे चढ़ने के बाद यहाँ का रुपीस निकालो यहाँ का केला निकालो यहाँ का ककड़ी निकालो बहुत सारा मज़ा आता है। वैसे ही मेरे दोस्त दीपेश ने ये पहली बार दहेंडी का महोत्सव रखा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उसने उस पहले महोत्सव में मुझे बुलाया और मेरे साथ ये बड़े दिग्गज लोगों को बुलाया इसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ और दीपेश के लिए मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ उसको ऑल द बेस्ट भी करना चाहता हूँ। उसके साथ मैंने काम भी किया हुआ है एक हाउसफुल नाम का हम दोनों का नाटक था उसमें मैं काम करता था बहुत मज़ा किया और हमें आगे बहुत भी काम करना है। आपने कभी दही हांडी फोड़ा है? हाँ सर मैंने बहुत फोड़ी है जब से मैं पाँचवीं में था तभी से मैं दही हांडी फोड़ रहा हूँ। अभी थोड़ा कमर्शियल आर्टिस्ट होने के बाद थोड़ा वक्त नहीं मिलता है या हवा शूटिंग पे जाना पड़ता है इसके वजह से अब भी नहीं किया एक तीन साल चार साल हो गए लेकिन पहले मैं दही हांडी के तीन जो इक्के रहते उसमें के दो इक्के में मैं रहता था बहुत मज़ा आता था बहुत मज़ा किया मैंने
जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ते जाता हूँ तब से दिल में बहुत धक-धक होने लगती है और मैं बहुत ही इंजॉय करता था। वो आज भी अभी मैं देख रहा हूँ तो सामने मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कभी कभी कपड़े उठा लूँ, टी शर्ट पहन लूँ और आगे जाऊँ। थैंक यू सर फॉर आने के लिए। आने वाला अभी तो 10 डेज से थोड़ा गैप लिया है, पुष्पक विमान आया था। आहो राजे हो जीर राज रह जी जी, आहो राजे हो जीर राज रह जी जी, आहो राजे हो जीर राज रह जी जी। स्वराज्यात से बांध तोरण बांध तोरण, संदीपाहुना कोंडाना किल्ला घ्याव ताब्यात, अष्टमी मूर्त ठेव ध्यानात, जीजाबाई बदल राजगडात जी 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 जी। कोंडाण्यासारखा बळकट किल्ला मुघलांच्या आदेशाने भर नाही, ती महाराष्ट्राची अस्मिता आहे। प्रणाम केला मातेला, प्रणाम केला मातेला, केला मातेला, तहानाजी वीर चालला, कमरेला बांधला शेला, शेलार मामा होते संगतीला। अभी मेरा 10 चालू है, इसके बाद थोड़े दिन में मैं आपको फिर से मिलने के लिए आऊँगा। एक गोविंदा जी के साथ मेरा मूवी आ रहा है आला रे आला, उसमें आपको पक्का दिखूंगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं दीपेश मलबारी, 32nd मीडिया हाउस का डायरेक्टर। मनोरमा फाउंडेशन और 32nd मीडिया हाउस हम दोनों ने मिलके ये बार दही हंडी का आयोजन किया हुआ है। ये दही हंडी के लिए मनोरमा फाउंडेशन जो काम करती है वो सोशल और एजुकेशनल वर्क करती है बेसिकली। मुलुंड से 32nd मीडिया हाउस ये प्रोडक्शन हाउस है, हम दोनों ने मिलके ये दही हंडी का आयोजन किया है। यहाँ पे कम से कम 15 से 17 दही हंडी पथक आने वाले हैं जो सलामी देंगे। और एक ख़ास बात ऐसी है कि ये दही हंडी जो फोड़ने वाले हैं वो जो पथक आने वाला है, दे गाइज आर ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते, फिर भी उन्होंने कोशिश करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके अभी ये हासिल कर लिया है कि वो बिना देखे भी ये दही हंडी फोड़ सकते हैं। तो ये दो फीमेल और मेल ऐसे दो ग्रुप आने वाले हैं जो ये दही हंडी फोड़ने वाले हैं। थैंक यू। 30 सेकेंड्स मीडिया हाउस 3 साल पहले चालू हुआ था, उसके अंडर हम लोग एडवर्टीजमेंट्स, इवेंट्स और फिल्म्स करते हैं। ठीक है, बैग में किसके साथ दही अंडी का एक्सपीरियंस, मतलब एक इवेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। पुलिस स्टेशन, बीएमसी, एमएससीबी, ये सबको टैकल कर कर के ये एक इवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। पर मैं नसीबवान हूँ कि हमारे यहाँ के जो पुलिस है, बीएमसी है या एमएससीबी ऑफिसर्स है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे गाइड किया है और प्रॉपर वे से उन्होंने मुझे जो भी मेरे डाउट्स थे वो क्लियर करके उन्होंने मुझे ये सब करने की इजाज़त दी है। दही हंडी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। नमस्कार, मी शशिकांत केरकर, मी मराठीतूनच बोलतो आहे कारण मी मराठी मुलगा असल्याकारणाने। आणि दही हंडीबद्दल तुम्हाला सांगायचं म्हणजे मी स्वतः लालबाग परळमध्ये लहानाचं मोठा झालो आहे, त्यामुळे ह्याचं आकर्षण मला लहानपासूनच आहे। म्हणजे आधी आम्ही थराला असायचो, आज आम्ही थर उभे राहताना बघतो आहे, याचा आनंद वेगळाच मिळतो आहे। आणि हा सण म्हणजे असं असतो ना की जुने मित्र किंवा आता जसे आम्ही मोठे आलो, आमचे काही मित्र दुसरीकडे राहायला गेले, काही जॉबसाठी बाहेर गावी गेले, पण हा एकमेव सण असा आहे ना, हा आणि आमचा गणपती बाप्पा। तर ह्या सणाच्या वेळी आम्ही सगळे एकत्र येतो आणि एकत्र आल्यानंतर दहीहंडी हा दुसरा पार्ट झाला, पण एकत्र आल्यानंतर आमचा एक वेगळा इव्हेंट आम्ही सेलिब्रेशन करतो। तर या दहीहंडीबद्दल बोलायचं झालं तर प्रत्येक ठिकाणी खूप थर चाललेले आहेत, थर उभं करण्याची कॉम्पिटिशन चालू आहे, तर मला ते कुठेतरी अजूनही जरा खटकतं की 9 थर
दहा थर ह्याचं ह्यासाठी जो आट्टा चाललेला आहे ना, कारण काय आलं की त्याच्यामुळे ना एक कॉम्पिटिशन तयार झालेलं आहे, म्हणजे उत्सव बाजूला राहिला आहे आणि कॉम्पिटिशन सुरू झाले. तर मनोरंजनासाठी आपलं पाच थर जे आपली पारंपरिक संस्कृतीनुसार चालू झालेलं आहे तेच जर टिकवून ठेवलं प्रत्येक मंडळाने तर अजून खूप मजा येईल या इव्हेंटमध्ये. कारण तुम्हालाही माहिती आहे की थर भरपूर लागताना पडतात, काही मुलांना फ्रॅक्चर होतात, काही दुखापत होते. त्या मुलाला लागल्यानंतर फक्त त्या मुलाला लागत नाही तर अख्खं घर त्याचं सफर होतं त्यासाठी, त्याचे आई वडील, त्याचे नातेवाईक. तर ती काळजी घ्या प्रत्येक मंडळाने. तुमचा जर आट्टा असेल की आठ थर नऊ थर, पण त्या मुलाची पण तेवढी काळजी घ्या. त्या थरावर जे उभे राहतात त्या मुलांची, त्या बाळगोपाळांची पण तुम्ही काळजी घ्या असं मला वाटतं मनापासून. अभी तो मेरी एक सब टीवी पे एक सीरियल चालू थी, अभी फिलहाल बंद हुई, आदत से मजबूर, हिंदी सीरियल थी. अभी मेरा सोनी मराठी एक नया चैनल आया है, वहाँ पे दुनियादारी फिल्मी स्टाइल, ये नया प्रोजेक्ट मेरा अभी रन हुआ है. उसका अभी दो शेड्यूल हो गया, उसका दो एपिसोड. और अक्टूबर में मेरी एक फिल्म आने वाली है रॉकी, जो मराठी फिल्म है, एक्शन मूवी है. फर्स्ट टाइम मराठी में एक एक्शन मूवी आने वाली है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ. और एक बात मुझे भूलनी है, 32nd मीडिया हाउस और मनोरमा फाउंडेशन के बारे में, तो उसके होल एंड सोल मेरा दोस्त दीपेश मलबारी, इसके बारे में बोलूँ तो बहुत कम समय में हम दोस्त हो गए, बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी, हमारे विचार बहुत एक होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे दोस्त हुए. तो इसने मुझे कल फ़ोन किया और मैं आया सिर्फ दोस्ती खातिर आया हूँ. मैं ऐसे हमारी दोस्ती फले फूले, और उसका फाउंडेशन के हम मेरी खुद की फाउंडेशन है समर्थ फाउंडेशन, और मेरा दोस्त स्वप्निल पात्रे, आइए सर, सर आइए सर, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करते हैं. स्वप्निल पात्रे, दीपेश मलबार याची मनोरमा फाउंडेशन संस्था आहे, ह्यांची पारिजात नावाची संस्था आहे आणि माझी समर्थ फाउंडेशन नावाची संस्था आहे. तर खरं तर आम्ही संस्थेतून एकत्र आलेलो आहोत आणि आमची अशी मैत्री झालेली आहे. तर स्वप्निल पात्रे, आता हे जरा ह्याच्या पारिजात संस्थेबद्दल तुम्हाला काही सांगतील. बेसिकली पारिजात मुंबई ही संस्था आम्ही 10 वर्ष झाली आहेत त्या संस्थेला, आणि 10 वर्षापासून आम्ही वेगवेगळ्या सोशल आणि कल्चरल इव्हेंट्स करतो आहे, आणि सोशली जे बॅकवर्ड मुलं आहेत त्यांना मदत करण्याचं काम करतो आहे आमच्या पद्धतीने. आणि 32nd मीडिया आहेत जे हितेश मलबारी आहेत, त्या सुद्धा आम्हाला त्या कामात मदत करत आहेत, म्हणून त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठीच आम्ही इथे आलो. Hi, I'm Shivangi Roy and I'm 18 years old और मैं अभी इस इवेंट में आई हूँ एज अ विनर. मैं एक मिस इंडिया क्वीन ऑफ क्वींस में थी जहाँ से मैं विन करके आई हूँ, और एक पार्टी था जहाँ पर हम मिले थे एंड वी हैड एन कनेक्शन एज अ डायरेक्टर एंड एज अ कंटेस्टेंट. सो आफ्टर दैट वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारे काम किए हमने साथ में, और उसके बाद आज हम इनके पार्टी में आए हैं. सो आप क्या जानना चाहते हैं, आप ये बताइए. हेलो, आई एम प्रतीक सिंह सोलंकी, आई एम अ रमन मॉडल, एंड हम लोगों की मुलाकात इसी इवेंट में हुई थी जहाँ पर व्हाट्स योर दैट नेम, यश गुप्ता इज माई फ्रेंड, सो उन्हीं के थ्रू मेरी इनसे मुलाकात हुई थी. और आज बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने हमें इस इनके मट्टी फोर के कॉम्पिटिशन व्हाट आई डोंट नो, बट बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया. एंड बताइए आप लोग क्या जानना चाहते हैं. मिस इंडियन जी, आई वाज द विनर, मैं विनर थी 2018 वापस आप भाग ले रहे हो. नहीं, इस बार मैं जज बन के जा रही हूँ, चूरी बन के जा रही हूँ. आपको इवेंट कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली. कुछ आपकी बचपन की यादें कुछ ताजा हो? मेरी बचपन की यादें, ओके, बचपन की यादें ऐसी कुछ नहीं है पर्टिकुलर. हाँ, मैं बचपन से ही मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी, तो अभी तक मैं मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बन पाई, आगे कोशिश करूँगी कि मिस यूनिवर्स भी बन पाऊँ, बस ये कोशिश जारी है. सॉरी,
आने वाले प्रोजेक्ट्स में अभी फिलहाल सीरियल्स और मूवीज करने वाली हूँ, वेब सीरीज करने वाली हूँ। सो लेट्स सी जो है, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी मैं भी अभी आगे, मुझे वेब सीरीज के लिए ऑफर आया है एज ए लीड मॉडल एंड मैं, मेरी जो एक्ट्रेस है गोवा स्टार वो मिस शिवांगी रॉय है एंड अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ में मेरा काम चल रहा है लाइक मान्यवर पीटर इंग्लैंड और अभी पार्टिसिपेट्स भी कर रहे हैं पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया के लिए। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट धीरे धीरे होते जा रहे हैं, उसके बाद में कामयाबी धीरे धीरे मिलती जा रही है एंड हिंदी मुझे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद मेनन है, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और कई सारे काम मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, मराठी फिल्मों में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज एन अरेंजर काम किया है, हिंदी फिल्मों में एज एन अरेंजर काम किया हुआ और यहाँ 30 सेकेंड्स मीडिया एंटरटेनमेंट में जो इनकी जो फिल्में चल रही है उनका म्यूज़िक भी मैंने ही किया हुआ है और पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और आज यहाँ पर 36 मीडिया एंटरटेनमेंट का जो दही हंडी, जो ग्वाल दही हंडी का जो प्रोग्राम है उसमें सहभागी हुआ हूँ। और कुछ आने वाले प्रोजेक्ट 32nd मीडिया एंटरटेनमेंट का ही क्लिक करके एक पिक्चर है जो बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन है जिसमें 4 गाने हैं और मराठी फिल्म होने के बावजूद उसमें एक हिंदी कव्वाली भी है और 3 गाने और भी हैं जिसमें एक गाना अवधूत गुप्ते ने गाया हुआ है, एक अभिजीत कौसम्बी ने गाया हुआ है और 4th जो टाइटल सॉन्ग है उसका वो अभी डब होना बाकी है। बाकी 3 गाने हो चुके हैं, कव्वाली जो मैंने गाई हुई है और एक वेलकम टू पटाया करके एक है, उसका भी काम चल रहा है और तीसरा प्रोजेक्ट है वो अननेम्ड है, बेसिकली नाम अब तक आउट नहीं किया हुआ और ये सारे प्रोजेक्ट सभी फ़िलहाल पाइपलाइन में हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस साल या फिर 2019 स्टार्टिंग होते ही ये सारी चीज़ें बाहर आनी चाहिए। दही हंडी बहुत ज़माने, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा क्राउड में खड़ा रहकर हम लोग देखा करते थे कि स्टेज पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाए जाते थे और आज उस लेवल पर आकर एज अ सेलिब्रिटी उस स्टेज पर जाके चढ़ना और हमारा सम्मान होना, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है और दीपेश का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और 32nd मीडिया एंटरटेनमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सम्मान और ये इज्जत नवाजा है हमको और यहाँ तक ला के खड़ा किया है। तो थैंक यू सो मच दीपेश, थैंक यू सो मच 32nd मीडिया एंटरटेनमेंट एंड